इसका प्राइस क्या रहता है बाजी? 100 रुपए का। अच्छा, 100 रुपए से 10 रुपए भी कम नहीं करोगे? जब स्वाद आएगा तो 120 देके जाओगे। अरे वाह भाई, सस्ता इसलिए लगा दे रहे हो? नहीं, महंगा होता जब भी लगाते हैं। किन्नर एक बात बताओ बाजी, ये तो सरकार ने बैन कर रखा कोयला? नहीं, अलाउ करवा दिया हलवाइयों ने। हलवाई का जो रेट है वो भी बहुत अच्छा है। वही बात, बढ़ाओ रेट, बढ़ाओ अब तो। हाँ जी, आपका खिलाने वाले मुझे पहले बताओ भाई। तो भैया चूर नान की दुकान पर लेके चलूंगा आज आपको खिलाने, और देसी स्टाइल में भैया किस तरीके से बनाते हैं चीजें बनते हुए आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या चीजें डाल के हमें खिलाने वाले हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इनका नाम है विजय चूर नान, संजय चूर नान नहीं है, विजय चूर नान, कालका जी माना विजय चूर नान के नाम से सर्च करके। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, उसकी टेंशन लेना है, जब चूर नान खाने की बारी आती है ना तो भैया अमृतसरी नान होता है, सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है अमृतसरी नान। और लोगों के दिमाग में क्या आता है कि भैया द्वारका में एक राजू चूर नान के नाम से दुकान है, वहां चलते हैं लोग, इसलिए वहां चले जाते हैं। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, ठीक है नॉर्मल दुकान है, अच्छा स्वाद देते हैं तो लोग भाई इसलिए जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उनकी ना ये वाली जो कर्तव्यबाजी है ना, वो इस तरीके से शॉट मारते हैं, मेरी बात समझ गए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस दुकान में दिखाते हैं कि भैया जैसे इंडिया और श्रीलंका का जब मैच हुआ था ना, तो धोनी ने लास्ट बॉल पे हेलीकॉप्टर वाला शॉट मारा था, तो जैसे ही उनके पास दुकान पे जब अमृतसरी नान बन के आती है और जब वो ये वाला स्टाइल करते हैं ना और ये वाला स्टाइल करते हैं, तो भैया लोग उन्हीं को बस देखने के लिए लोग उनके पास जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी दुकान है, अच्छे लोग उनके यार एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी देते रहना चाहिए। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि भैया अगर कोई कर्तव्यबाजी करके दिखा रहा है तो हम दिल्ली वाले लोग तो वैसे ही है, बंदर का नाच होता है तो भैया हम लोगों से देखने जाएंगे, बंदरिया का नाच हमें शुरू से ही पसंद है, तो ठीक है ना यार, एंटरटेनमेंट कोई कर रहा है तो गलत चीज नहीं है। लेकिन पाजी के पास आ रखा हूँ और पाजी शुरू से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्या क्या चीजें बना के हमारे को खिलाएंगे। चलो मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं नाम बताओ पाजी। नाम मेरा राम बाबू। राम बाबू है। हाँ, ठीक है पाजी, आज हमें क्या खिलाने वाले हो बताओ। आपको मिक्स वेज चूर नान खिलाएंगे। अच्छा, और पनीर प्याज का नान है। ठीक है, और गोभी का है। अच्छा, आलू प्याज का नान है, पनीर मटर मशरूम का नान है। अच्छा, साथ में शाह पनीर, दाल मखनी, रायता और छाछ है। ठीक है, मोस्ट सेलिंग आइटम कौन सा जो लोग आपके पास आके खाना पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा मिक्स वेज। मिक्स वेज, हाँ जी। उसका प्राइस क्या रहता है पाजी? 100 रुपए का। अच्छा, 100 रुपए से 10 रुपए भी कम नहीं करोगे? जब स्वाद आएगा तो 120 देके जाओगे। अरे वाह भाई, ये अच्छा लगा ना पाजी। अच्छा, ये बनाते किस में हो? तंदूर में बनाते हैं। तंदूर में। और दुकान की अगर टाइमिंग की बात करी जाएगी तो पाजी? टाइमिंग 10:30 बजे से टाइमिंग है जी, सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक का। तो कई लोग मुझे शिकायत कर रहे थे जब मैं आ रहा था भैया यहाँ कि आपने आदत बिगाड़ दी है, कई लोग अपने घर से खाना लेके नहीं आ रहे हैं, आपके पास आते हैं लंच करने। वो तो जी स्वाद के ऊपर आता, अपने आप खींचे तो चले आते हैं, स्वाद हो जिसमें जान होगी स्वाद में वही तो आ जाएगा। इससे तो पाजी दिक्कत हो जा रही है ना, घर में जाके बीवी से लड़ाई हो जा रही है, टाइम का खाना नहीं खा रहा है बंदा। अच्छा, बीबी लोग भी आ जाती है? अरे वाह, खुद बुला बुला के लेके आते हैं खिलाने के लिए वो लोग। अरे चलो, वहाँ पर बढ़िया नान मिलता है। अच्छा, दिखाने के लिए कैसा बनाया करो? अच्छा ये चलो पाजी, फिर मेरे को बढ़िया सा बनाते हुए दिखाओ। तो कहने का मतलब आदत आपने बिगाड़ी नहीं है, आदत आपने अच्छी डाली है। अच्छी डाली है, क्या बात है पाजी। और दुकान किस किस दिन खुली रहती है? हर दिन खुली रहती है। सब दिन? सब दिन, कोई छुट्टी नहीं। अच्छा ठीक है पाजी, सबसे पहले क्या डाला इसमें? इसमें डाला मिक्स वेज। पाजी होता किसका ये नान? ये इसमें है कॉर्न, मशरूम, मटर, पनीर, गोभी, आलू, प्याज, सब मिक्स होता है, ये सब कुछ होता है। हाँ जी, ठीक है। अरे पाजी डेली फ्रेश बनता चले जाता है? डेली फ्रेश। ऐसा तो नहीं भैया आज का माल कल निकाल दे रहे हो? ऐसा तो बचता ही नहीं है, कल निकल जाए तो मौका ही नहीं मिलता बचाने का। अच्छा, ग्राहक वापिस जाते हैं 3 बजते बजते। हाँ। और ये अब इस तरह पैक करना पड़ता है लोगों को। हाँ जी, सही कर रखा है ना पाजी, आपने आदत बिगाड़ रखी है लोगों की। आदत क्या, स्वाद है। हाँ, स्वाद के लिए तो लोग चले आते हैं, अब इसके लिए कहीं दूर भी नहीं आना, क्योंकि आपको पता है चूर नान खाने के लिए लोग कितने दूर दूर जाते हैं। लोगों को समझाना पड़ेगा भाई, साउथ दिल्ली में पाजी की दुकान है, इनके पास आओ और बढ़िया से स्वाद खा के जाओ। अरे पाजी जो माल है ये सारा फ्रेश तैयार करते हैं? बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, और अगर इसके बाद ये सारे एक लॉट खत्म हो गया तो फिर ना और भी है, रखा हुआ है ना, हम बना के रखते हैं ना उसको। अच्छा, रुकने का नाम नहीं है? रुकने का नाम नहीं है। क्या बात है भाई, राजधानी अगर नई दिल्ली से चली है तो अपने गंतव्य स्थान पे जाके ही रुकेगी। ठीक है पाजी, बढ़िया सा प्यारा लगाओ मेरे को और मिक्स वाला बना के दिखाना। ये पाजी क्या रख रखा, सरसों का तेल? नहीं, ये रिफाइंड है। अच्छा, ये रिफाइंड है। हाँ जी। ये पाजी धनिया? हाँ जी, धनिया ऊपर से थोड़ा, धनिया से स्वाद आएगा ना बना। ये भी तो हो सकता है भाजी, सस्ता इसलिए लगा दे रहे हो? नहीं, महंगा होता जब भी लगाते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, कल महंगा भी तो हो सकता है। हाँ, ये बात तो सही गई। अच्छा, नहीं गिलास नहीं, हमारे हाथ ही ऐसे पुख्ता बने हुए हैं। भाजी काम करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को होगी कम से कम 15 साल। अरे 15 साल तो यहीं पे ही हूँ मैं।
अब तो ऐसी आदत हो गई है कि भैया भट्टी में हाथ डाल दोगे आप ऐसे ही? हाथ तो तुम्हारे सामने डाला है। ये बात है ना, कई कारीगर इस पर रख के लगाती है, हमारे इस पर रखने का हमें टाइम बचाना होता है इसमें। अच्छा ठीक है, हाँ हाथ से दिखाना पाजी बनाते हुए, आपकी कर्तव्यबाजी भी दिखे जाएगी। और पाजी ये कितने बजे सेटअप कर देते हो तैयार? ये 8 बजे से चालू होता है, 9 बजे तक सेटअप चालू होता है। अच्छा कोयला है ना पाजी? हाँ जी। लेकिन यार एक बात बताओ पाजी, ये तो सरकार ने बैन कर रखा कोयला। नहीं अलाउ करवा दिया हलवाइयों ने। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा देखो भाई, टेस्टिंग करने के बारे आती है ना, मैंने आपको क्या बताया, ये होता भैया अमृतसरी नान है, आप इसको देख सकते हो। लेकिन इसको पता है लोग इसको क्या करते हैं, ये दिल्ली में ना भैया इसको इस तरीके से दिखाते हैं। देखो देखो इसमें ना दिल्ली वाले लोग इस तरीके से इसको कर देते हैं, और देखो बढ़िया से सारी चीजें इसमें डाल रखी है। अमूल का जो बटर, अमूल जो होता है ना भैया डाल रखा है, मेरा हाथ देखो किस तरीके से भैया ने डाल रखी है चीजें, एक भी चीज की कंजूसी नहीं कर रखी। साथ में क्या डाल रखा है, साथ में क्या डाल रखा है देखो, ये भैया अपनी मखनी दाल, किसी चीज की कमी नहीं है। साथ में शाही पनीर में भैया ने कंजूसी कर दी, एक पनीर डाल दिया शाही पनीर के नाम पर। साथ में भैया ने डाल रखा है रायता, भैया गर्मियों का टाइम आ रखा है तो गर्मियों में रायता पीना जरूरी होता है सेहत के लिए भी, ताकि आपकी तबीयत भी ना ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि भैया हम बोलने वाले लोग है ना, तो समय समय पर हमें लिक्विड चाहिए होता है। सिर्फ रायते से काम चल जाता है आपका लिक्विड में? हाँ चल जाता भाई, गर्मी में थोड़ा सा गर्मी हो रही है ना, तो पेट भी थोड़ा इससे हल्का रहता है। बाकी मैं आपको नान टेस्ट करके बताता हूँ भैया की दुकान पे। भैया ने पहले ही बताया कि यहाँ लोगों को पागल कर रखा है इन्होंने मिक्स वेज वाला नान से। अब आपको टेस्ट करके ही दिखा देता हूँ। भाई पेट भरने वाला आइटम है, मैंने आपको पहले बता दिया। दिन में अगर इनके पास 1 बजे के बाद आ जाओगे ना, तो भैया ये 2 नान खा लो, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ पेट भर जाना है। तो दीदी एक यहाँ खा रही है, तो दीदी से पूछता हूँ किस तरीके से, दीदी यहाँ कैसा टेस्ट होता है इसका? बहुत टेस्टी टेस्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी, मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया है तो बस सोचा कि यहाँ पे आओ इसको खाओ तो पेट भर जाता पूरे दिन का। अच्छा तो घर वालों से लड़ाई कर रखी थी इसलिए खाना नहीं खाते? ऐसा कुछ नहीं है, वो जल्दी आ गए थे ना। अच्छा कॉलेज पीछे ही है इसके, ठीक है तो पास में है तो फिर आ जाओ, रिलायबल भी होता है, पैसे भी सही होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है रीजनेबल प्राइस में। हाँ रीजनेबल प्राइस। अच्छा शिकायत तो करते नहीं है भैया से? बिल्कुल नहीं, टेस्ट अच्छा है। हाँ, और डेली कस्टमर को ही डिस्काउंट भी दे देते हैं। अच्छा हाँ। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए की जो प्लेट है वो 90 रुपए की दे देंगे, अगर 80 भी दे देंगे, 80 भी दे देंगे। तो भैया ये चीज उन्होंने अच्छी बता दी कि देखो भैया का मैंने आपको पहले बताया भैया किस तरीके से दिलेर आदमी है, अगर डेली आके इनके पास खाना चाहोगे 365 दिन में से 360 दिन तो हो सकता है कि भैया 5-10 रुपए कम भी आपको देना पड़ जाए। क्यों जी? टेस्ट एकदम A1 है, बहुत अच्छा है। जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? आओ ट्राई करो और चूरचूर नान खाओ। तो मैडम जी आप बताओ क्या आपने यहाँ लिया है आइटम, बताओ खाने का? ये मिक्स परांठा है। अच्छा मिक्स परांठा, और इतना हेवी और इतना अच्छा, इसमें सब देखेंगे सारी वेजीज हैं, ठीक है कौन है, बल्कि हम लोग सिर्फ आलू प्याज खाते थे। हाँ। पहले यह था कि फेवरेट बच्चा भी आलू खाता था सिर्फ, लेकिन जब हम यहाँ पे मैंने मिक्स का ट्राई किया ना तो बहुत अच्छा लगा, घर पे इतना अच्छा नहीं बनता जितना यहाँ बनता, और कहीं पे भी चले आप अभी मूलचंद वाले बता रहे थे क्वालिटी बहुत मेंटेन है। हाँ। इवन रायता की रिचनेस जो थिकनेस है, अब छाछ की देखोगे हमेशा, और जो इनकी चटनी प्याज देखो कुछ मिलावट नहीं होती है इनकी। अच्छा इवन दाल भी आप ऐसे लगे जैसे अच्छे होटल्स की वगैरह की होती है पूरा, जैसे तो हमारा आप डेली आते हो? ऑलमोस्ट वंस इन अ वीक तो आ ही जाते हैं। अच्छा एक दिन घर का मिस करके काफी साल हो गए, मतलब 8 से 10 साल हो गए। अच्छा बचपन में भी हम गाड़ी में जाते थे, अपने बर्तन ले जाते थे मूलचंद पे, वो थाली में डलवा लेते थे। अच्छा और यहाँ गरम गरम जो खाने का मजा ना, सुबह सुबह आ जाते 10:30 बजे। अच्छा और कभी भी जैसे हम 3:30-4 बजे कभी लेट हो जाते हैं, कभी भी इन्होंने वापस नहीं भेजा। अच्छा बना के अच्छा सा फ्रेश देते ही देते। अब मैं खा के देखता हूँ कि सबने तो आपने ओपिनियन दे दिया, भाई मेरे को कैसा लग रहा है? भाई हैवी यार काफी, ठीक है भाई काफी अंदर से माल उसमें भर रखा है, काफी ठीक लग रहा है तो खाने में। मैंने पहले भी यार कोई नान खाया इसमें कि भाई उसमें कॉर्न डाल रखा अंदर से। ये कौन सी सब्जी है भाई? ये दाल मखनी ना? नान में भाई दम तो है भाई। मैंने दोस्तों आपको पहले बता दिया, लोगों ने यार रिव्यू दिया, यार आप बताओ 100 रुपए सिर्फ दे रहे हो और देख लो नान कितना हैवी है। भाई मेरे हिसाब से दो, अगर मैं दोस्ती दो खा लूँ ना, मेरे को 12 बजे में खा लूँ तो शाम के रात को फिर 9 बजे खाना खाऊंगा, मेरे को नहीं लगेगी भूख बिल्कुल भी। वैसे मैं काफी खाना खा लेता हूँ, मतलब साइज देख के लग रहा हूँ थोड़ा मोटा सा हो गया मैं, लेकिन दो नान में ना आपका पेट भर जाएगा। आप थोड़े से मतलब अगर ज्यादा खाने वाले ज्यादा ना मैक्सिमम 3 खा लोगे, इससे ज्यादा नहीं खा पाओगे।
एक सिटिंग में तीन से ज्यादा नहीं खा पाओगे। आंटी अनले सबको चैलेंज कर रहे हो कि भाई मुझको 15 खाने एक बार, 10 खाने, वैसे नहीं, अगर टेस्ट लेके खा रहे हो ना दो खा सकते हो, तीन भी अपने लिमिट पुश करके, उससे ज्यादा नहीं खा पाओगे। काफी अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट तो भी अच्छा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, मेरी बात सुन लो, एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस एरिया में रह रहे हो, साउथ दिल्ली में रह रहे हो, तो भैया उन लोगों को टैग कर दो जो लोग भैया वेज लवर है खाने के लिए, उन लोगों को टैग कर दो। हम लोग अपना खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, और आपको क्या करते हैं, फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।